अपने गुरु को उस परम पिता परमात्मा की उपाधि दी है। और किस प्रकार से उसने गुरु को परम पिता परमात्मा की उपाधि दी और इस एक ही अवतार में 24 अवतार की एक ही रागिनी किस प्रकार से उसने 24 अवतार बताए उस विष्णु भगवान के बताए, सुनिए ध्यान धरके। बहुत अच्छे पंडित जी। दुष्टों का जन्म होता है उसका संहार करने के लिए मेरे को दूसरा अवतार लेना पड़ता है। तो बोला रहा युग युग से अवतार धारता यो लीला यो परम पार मेरी और वह सुंदर का बार तार रचना है सा रचना है साकार मेरी रचना है साकार मेरी वह सुंदरा का तार 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 रचना है साकार मेरी हो जी मैं यज्ञ पुरुष जगत रचा दे भारी थी तीजी बार कपिल मुनि हा तीजी बार मैं कपिल मुनि मेरी बेहूदी मैं तारी थी और चौथी बार मैं दत्तात्रे मेरी अपनी गला यारी थी चौथी बार बड़ा दत्तात्रे मेरी चौथी बार बड़ा दत्तात्रे मेरी अपनी गला यारी थी फिर पांचवी मैं सनकादि बन गया और पांचवी बार सनकादि बन गया और बेदी वह सुंदरा का बार तार का रचना है साकार मेरी और रचना है साकार मेरी रचना है रचना है साकार मेरी रचना है साकार मेरी वसुंधरा का भार तार का रचना है साकार मेरी हो खोल खोल के सबको समझ में आ रही है ना? नहीं, पांच अवतार समझ में आ गए तो छठा सुनिए। थाप मारा कर यार, या तो थाप मारा कर कि मैं बिना थाप चालू ही को नहीं। हाँ, जब तक मेरा थप्पड़ नहीं देगा मेरे याद नहीं आएगी। अरे छठी मैं नारायण छठी मैं नारायण बन गया धर्म स्त्री दक्ष सुता सातीबार मैं दुरु बनया उत्तान पात का
और सातवीं बार मैं धुरु बनया उत्तान पात का फिरिया मता। फिर आठी में मैं पृथ्वी बनया, आठी में मैं पृथ्वी बनया जब पृथ्वी मछने दई सता। और नौवीं में मैं ऋषभ देव वो अपने दीने जन्म बता। और नौवीं बार ऋषभ देव मेरी। अभी जितने श्रोतागण बैठे हैं, गवैया हैं, शायद किसी को पता है किसी को पता नहीं है, मैं दसवीं बार जब अमरीश के रूप में जन्म लिया तो मैंने तीन वेद की रचना की। बताते हैं चार वेद, लेकिन यहां बता रहे हैं तीन वेद की रचना की। और जब तीन वेद की रचना की तो राक्षसों ने, शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षसों ने उन तीनों वेदों को उठा करके समुद्र के अंदर फेंक दिया। वो समुद्र में जब वेद चले गए तो प्रजातंत्र कैसे चलेगा। तो 11वां अवतार लिया मैंने और क्या किया सुने गया। और मैंने असुर ठिकाने गाल दिए। तेरवी मैं नरसिंह बन मर हिरणा कुछ संडाल दिए। चौदहवी मैं देखो जगह आदत से जो तो सा जाए कौन जाए, मेरा से कौन जाए। फिर 15 अवतार हो लिए,
सोलवी में जब आत्मन पान किया जय हो। हाँ सोलवी में हंस बना जब आत्मन ने पान किया और सत्तरवी में मनु बना जब मनु मंत्र का दान किया। मैं सत्तरवी में मनु बना मन मन मंत्र का ध्यान किया। अठारहवीं में धनवंतरी फिर आयुर्वेद का ज्ञान किया। उन्नीसवीं में परशुराम 21 बार मैदान किया और परशुराम मैंने 21 बार मैदान किया। 19वीं में परशुराम 21 बार मैदान किया और 20वीं में श्री रामचंद्र 20वीं में श्री रामचंद्र और जनक नंदनी नार मेरी वसुंधरा का बार तार का रचना की थी। तीनों वेदों को जब सुंब निशंब दानव ने जल में डाल दिए तो मत्स्य के रूप में बनके उन वेदों को निकाल के माँ लक्ष्मी के पास रख दिए और माँ लक्ष्मी को चिंता हो गई। मेरे को बोली कि हे प्रभु ये वेद तो पानी में डलने से जर्जर हो गए, कुछ समझ में आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी कोई रचना कीजिए जिससे ये सृष्टि चले। तो मैंने 21वें अवतार में जन्म लिया और चौथा वेद अर्थ वेद की मैंने रचना की। तो सुनिए 21वें अवतार में क्या बताया प्रभु ने। बहुत अच्छे उस्तादों के अभ्यास किया। 22वीं में कृष्ण बनके गोकल के मां रास किया। मैं 22वीं में बनके कृष्ण गोकल के मां रास किया। 23वीं में उद बनया जब पंथों का निकास किया। 24वीं में श्री लक्ष्मी चंद ने जाति के मां वास किया। और 24वीं में लक्ष्मी चंद ने फिर कह रहे हैं कि एक बार फिर अवतार लो जिससे ये हरियाणा की जो संस्कृति है इसका उद्धार हो जाए। श्री मांगे राम तू फिर बने आइए अरजी है हर बार मेरी। वसुंधरा का भारत सुंदरा